मुझे ऐसा लगता है ग्लोब अवार्ड एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जिसमें टेलीविजन एंड फिल्म स्टार्स सब दोनों साथ में मिलकर परफॉर्म करने वाले हैं एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि परफॉर्म करने के लिए. आज मैं खुद रणवीर के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि उनके साथ परफॉर्म करना इट्स अ बिग डील सो आई एम रियली हैप्पी. कौन मैं? बालाजी. बालाजी हमेशा से धमाल करता है एंड बालाजी ने पहली बार ऐसा अवार्ड फंक्शन निकाला जिसमें 50% टेलीविजन है एंड 50% फिल्म है एंड बॉलीवुड है. सो आई एम रियली हैप्पी कि हम वही स्टेज शेयर करेंगे जो बाकी के सुपरस्टार शेयर करते हैं. वैलेंटाइन डे के प्लान्स यही है कि मैं शूटिंग करूँगी पवित्र रिश्ता के लिए, रिहर्सल्स करूँगी झलक दिखला जा के लिए और बस यही करूँगी. आई डोंट थिंक सो मेरे लिए इतना कोई मायने रखता है वैलेंटाइंस डे स्पेशली. मुझे ऐसा लगता है अपने आप जिससे प्यार करते हो आप उसके साथ 24/7 रहते हो या आपके लिए वो हर दिन एक वैलेंटाइन ही होता है. सो इट्स नथिंग मेक अ डिफरेंस फॉर मी. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. पहली बात तो ये है कि ये एकता इज लाइक माई डॉटर और बालाजी मेरे सामने ही फॉर्म हुआ है तो इट्स लाइक माई ओन हाउस इज गिविंग द अवार्ड्स. तो अच्छा लग रहा है. जीतेगी, जरूर जीतेगी, इंडिया जीतेगी. वैलेंटाइन आ रहा है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? आई लव माय वाइफ. इट्स अ वेरी गुड थिंग. रिवील फिल्म बोथ एंड इट्स आवर फर्स्ट फंक्शन ऑफ एकता एंड जितेंद्र भाई. आई विश देम ऑल द बेस्ट. सॉरी सर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कैसे सेलिब्रेट करें आप दोनों? हमारा रोज वैलेंटाइन डे है. में दिए जा रहे हैं तो ये आई थिंक एक नया इनिशिएटिव है जो बालाजी मोशन पिक्चर्स ले रही है और मैं एक इनसाइडर हूँ तो मैं तारीफ करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अवार्ड्स बहुत ही फेयर हैं. अर्नेस्ट एंड यंग ने ऑडिट किया है और ये ऑडियंस सेंट्रिक अवार्ड वेल इस अवार्ड फंक्शन के बाद वापस उड़ जाएगी अवार्ड फंक्शन की अहमियत क्योंकि आई थिंक जब फेयर होते हैं अवार्ड तो लोगों को पता लग जाता है. जब अच्छे सही नहीं होते तो लोग जान जाते हैं कि यार इसमें कुछ घोटाला है लेकिन जब अवार्ड्स उन्हें दिए जाते हैं जो लोगों की पसंद हो तो लोग भी जान जाते. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा धूम होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, बहुत ज़्यादा गोलमाल होगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा, लाइव परफॉर्मेंसेस होंगे और लोग निराश बिल्कुल नहीं होंगे. We have a lot of genuine awards and a lot of fun. I think just like the earlier one was a big hit, there were like lots of great performances. And it was TV and films together. This time also we have the best of television and movies together. I know that Kareena is performing. I know that Ranveer is performing. I know that Shahid is performing. And there are many more surprises which I wouldn't want to.